आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा रेसिपी। इसका बेस भी मैंने घर पे ही बनाया है। इसके लिए स्पेशल है ये मोज़रेला चीज़ और ये बाकी की सामग्री भी, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बटन मशरूम लिए हैं मैंने, और एक चम्मच ईस्ट, ड्राई ईस्ट लिया है, एक चम्मच शक्कर, चिली फ्लेक्स, और ये सॉस है, दूध है 1 कप, 200 ग्राम मैदा, तेल और नमक ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा और उसमें शक्कर डाल दी है। शक्कर को हमें अच्छे से पिघल लेना है, शक्कर को पूरा डिजॉल्व करना है, और दूध हमको बिल्कुल हल्का गर्म करना है, गुनगुना रखना है बिल्कुल ही, गर्म बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लेकिन शक्कर पूरी पिघल जानी चाहिए। ये शक्कर भी पिघल गई है और दूध हल्का गुनगुना हो चुका है। इसमें मैं ये ड्राई ईस्ट जो हमने एक चम्मच ड्राई ईस्ट लिया था ये डाल देती हूँ, और इसे हिला के अच्छे से ढक के हमें 10 मिनट तक ढक के रखना है। 10 मिनट बाद ये थोड़ा सा फूल जाता है। और मैदे में मैंने तेल डाल के ये नमक मिक्स कर दिया, और ये जो हमने दूध बनाया है ईस्ट डाल के, इससे ही हमें इस मैदे का अच्छा सॉफ्ट डो बना लेना है। याद रखिए, डो को सॉफ्ट बनाना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाना है। और ये दूध इतने दूध में ही बन जाएगा, ये शायद थोड़ा दूध बच भी जाएगा, ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए। अब हमारी असली कसरत है ये, इसे हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे से रगड़ रगड़ के, मसल मसल के इसे सॉफ्ट बनाना है। इसी तरह इसे स्मैश करना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तेल डाल डाल के इसे हमें अच्छे से स्मैश करना है। इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, कुछ टेस्टी खाना है तो पेशेंस तो चाहिए भाई। ऐसे पटक पटक के इसे अच्छे से हमें, इससे क्या होता है, इसमें जो हम ईस्ट डालते हैं वो एक्टिव हो जाता है, और हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी होता है। इसलिए ये 10-15 मिनट तक हमें इसे मसलना ही है, तेल डाल डाल के, पटक पटक के। देखिए अभी हाथ में चिपक भी नहीं रहा है ये, और डो बन गया है सॉफ्ट। 15 मिनट मैंने इसे ऐसे ही मसला है। अब ये एक बर्तन में रख के मैं इसे आधा घंटे तक हमें रखना है ढक के अच्छे से। तब तक मैंने ये सब्जियां काट ली हैं सारी जो ली थी, और मैं इसे पिज़्ज़ा को इसमें बेक करने वाली हूँ। ये एक बड़ा सा कटोरा मैंने लिया है, हर एक के घर में यूजुअली होता ही है चूड़ा वगैरह बनाने के लिए। इसमें मैंने नीचे नमक डाल लिया है, आप रेती भी डाल सकते हैं, और एक कटोरी मैंने इसमें फिक्स कर ली है। ये जो थाली है इसमें मैं अब पिज़्ज़ा लगाने वाली हूँ, तो इसे मैं अंदर नहीं रखूँगी, हमें इसे प्री हीट करना है। अभी 15 मिनट तक हमें इसे प्री हीट करना है अच्छे से ढक के, मीडियम फ्लेम पे। तब तक हम पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। ये मैंने प्लेट को तेल लगा के चिकना कर लिया। अब ये डो देखते हैं, देखिए ये फूल गया है, अच्छा दुगना हो गया है लगभग। हाथ में थोड़ा सा तेल लेके इसे जेंटली सॉफ्टली हैंडल करते हैं एकदम। इसे थाली में निकाल के हमें हाथ में तेल लगा के थाली में इसे फैला लेना है अच्छे से। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजीली फैल जाता है क्योंकि ये डो बहुत ही सॉफ्ट बना है, फैल गया ये पूरा। और अब इसे फोक की सहायता से मैं थोड़े छेद कर लूँगी ताकि ये अच्छे से अंदर से बेक हो जाए। इस पर हमें पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करना है अभी इवनली। अच्छे से लगा लीजिए हर तरफ से। अब इस पे मोज़रेला चीज़ की एक हल्की परत लगानी है, वेजिटेबल डालने से पहले एक हल्की परत लगा लेंगे। अब
ये जो कटी हुई वेजिटेबल्स है ये मैं इस पर लगा लेती हूँ। सबसे पहले शिमला मिर्च इवनली फैला लेना है हर तरफ। बटन मशरूम के भी मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं, इसके बाद मैं बटन मशरूम फैला लूँगी इसके ऊपर। कोरोना का डर बाहर बहुत ही फैल चुका है, इसलिए ऐसी चीज़ें बाहर से खाने से अच्छा है आप घर पे ही बना के खाइए और बच्चों को खिलाइए। और मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। प्याज के जो स्लाइसेस किए थे मैंने वो भी फैला ले रही हूँ इस पे। टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए है, इसको भी फैला लेती हूँ। मोज़रेला चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अब मोटी परत लगा लेंगे इस पे ऊपर में। बच्चों के फरमाइश पे मैं और ज़्यादा थोड़ा चीज़ डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद आता है। ये अब रेडी हो गया है हमारे प्री हीट, हमने जो बर्तन प्री हीट किया है उस पर रखने के लिए अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए इतना टेस्टी लग रहा है अभी से ही। इसमें रख देती हूँ, इसे लगभग 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे ही रखना है इसे। 20 मिनट बाद मैंने चेक किया, चीज़ तो मेल्ट हो गया था लेकिन बेस जो अभी कच्चा था। और 20 मिनट बाद मैंने चेक किया, बेक हो गया है अच्छे से, फूल गया है अच्छे से बेस भी। इसे काट लेते हैं अब। मेरे पास कटर है नहीं, मैं चाकू से ही काट लेती हूँ। काफ़ी गर्म है ये, लेकिन गरम गरम खाने में ही मज़ा है इसका। चिली फ्लेक्स डाल के मैंने अब इसे प्लेट में निकाल लेना है काटने के बाद, क्योंकि ये निकालने के लिए थोड़ा सा तो भी ठंडा होना चाहिए क्योंकि ये निकालने बहुत ही गर्म है, इजीली निकल जाता है प्लेट पे। चिली फ्लेक्स मैंने इस पे डाल लिए हैं। देखिए बिल्कुल हम रेडीमेड खाते हैं उस तरह इसका चीज़ दिख रहा है। यम्मी। और एक पिज़्ज़ा मैंने बना लिया, ये पनीर पिज़्ज़ा बनाया और एक ऐसे ही बनाया। आप भी ऐसे टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा घर पे बनाइए और बच्चों को खिलाइए।